पिताजी। हयाचो, यहाँ आओ मेरे बच्चे। तुम उस तलवार को मुझ पर चलाना चाहते हो? क्या तुम हमेशा मुझे हराना नहीं चाहते थे? जैसी तुम्हारी मर्जी है आटो। नए प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन के लिए बोर्ड मीटिंग 30 मिनट में शुरू की जाएगी। कृपया लेबोरेटरी की तरफ प्रस्थान करें। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? आपने जो एडवांस मेडिकल केयर मुहैया करवाई उसके लिए शुक्रिया। अब वो स्टेबल है। हमें उम्मीद है कि वे अपनी इस तलवार को जल्द ही फिर चला पाएंगे। थैंक यू सर। सारे यागामी लोग तलवार पसंद करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि तलवार बनाना उनके परिवार की परंपरा रही है। क्या तुम्हारे पास भी ये कला है? मेरे पिता मानते थे कि उस सीक्रेट स्किल को पाने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। भट्टी की आग अब ठंडी हो चुकी है। क्या तुमने अपने पिता से कुछ सीखा भी है? उसके पिता की महानता को कायम रखना मुश्किल है। चले चलो कुछ मजा हो जाए। क्या तुम अंधेरी से डरते हो? कोई खतरा तो नहीं? ये काफी नया एक्सपेरिमेंट लग रहा है। ये कोई नया एक्सपेरिमेंट है? लग तो नहीं रहा है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। वो तो आगे पता चल जाएगा। शायद मैडम इस बार कामयाब हो जाए। मैंने हड्डियां भी देखी। काफी बड़ा जानवर दिख रहा था। पिछला एक्सपेरिमेंट तो फेल ही हो गया था। ये कौन है? प्रोडक्ट नंबर 344, बर्थ नेम जेम्स। जो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पैदा हुआ, मैंने इसके जीन्स को लड़ने के लिए बेहतर बनाया है। चलो देखते हैं क्या होता है। इजेबेल, क्या तुम फिर हमारा समय बर्बाद कर रही हो? ये पिछले वाले से भी ज्यादा खराब दिख रहा है। डिस्पोजल बिन तो तैयार है ना? हयाटो, क्या तुम जेम्स को चाबुक दे सकते हो? उसे शायद टेस्ट के लिए जरूरत पड़े। ऐसा मत करो इसाबेल, ये लड़का अपने पिता जैसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि सोटो यागामी जैसे इंसान ने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया होगा? हयाटो बोर्ड के छठे मेंबर के तौर पर अपने पिता के जगह लेगा। हमें बस ये पता लगाना है कि हमारे साथ कौन होगा, बिल्ली या बाघ। Oh, my God.
उम्मीद है कि डिस्पोजेबल बिन में दोनों फिट होंगे। क्या होगा अगर वो उस बीस्ट को मार देता है? अगर वो आज इस बीस्ट को मार देगा तो कल उसकी मौत तय है। हमारी क्वीन को आसपास कोई झूठा इंसान पसंद नहीं। मुझे माफ करना पिताजी। हायातो, हमारे परिवार का कटाना अब तुम्हारा है। यागामी का मकसद याद रखना, तलवार चलाओ, आग पैदा करो। हिम्मत और उम्मीद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। फिर वहां चल क्या रहा है? जिंदा रहने का यही तरीका है। आखिर वहां हुआ क्या?
जेम्स ने उसे मार गिराया और मेरी जान बचाई। मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि तुम वहां धोखे से बंद हो गए। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। तुम्हारी तलवार तो टूट गई है, तुम्हारे लिए ये गहरा सदमा है। समय बदल गया है, तलवारें आजकल बेअसर हैं। आपकी जेनेटिक टेक्नोलॉजी ही भविष्य का सही रास्ता दिखाती है। प्रोडक्ट 344 कामयाब रहा, बहुत बहुत बधाई। अंदर की चिंगारी को जिंदा रखो और एक दिन ये दहकती हुई आग में बदल जाएगी।